प्यारे तुसे बिनती करत हो मोहन प्यारे तुसे बिनती करत हो नहीं बना पुत्र के भरे आज समरिया तुह गरबा लगा रस के भरे रस के भरे
हरे कृष्ण, सब बोलेंगे हाथ जोड़ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। समस्त ब्रह्मवासियों को सूचित किया जा रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कृपा करके कथास्थल पे पहुंचे, कथा प्रारंभ होने जा रही है। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दनुध्यापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दनुध्यापन करते हुए मंचासीन पूज्यपाद बंसी भदन प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दनुध्यापन करता हूँ। तत्पश्चात वृंदावन से आए हुए भक्त सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दनुध प्रणाम है, और बड़ौद में रहने वाले समस्त भक्तों के चरणों में एवं वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम है। आज श्रीमद् भागवत का सप्तम दिवस है, और इस कथा के उपरांत बहुत सुंदर तरीके से बहुत बड़ा महोत्सव भी है, जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए भाग लेने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है, जो घरों में बैठे हैं कृपा करके आ जाएं, और लोगों को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस रथ यात्रा में रहिएगा। भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं, भगवान ज्ञानी से प्रसन्न नहीं होते, योगी से प्रसन्न नहीं होते, भक्त से प्रसन्न होते हैं। और हमारा जो भारतवर्ष है, इसमें एक नहीं दो नहीं अनेकों भक्त हैं, और ऐसे ऐसे भक्त हमारे हुए हैं जिनके हम उत्तर भारत के तो कई भक्त हैं जिनके हम नाम जानते हैं, परंतु जो दक्षिण भारत में भक्त हैं हम लोग उनके नामों से वंचित रह गए। ऐसा ही ग्रंथ है भक्तमाल, जिसमें अनेकों अनेक भक्तों का वर्णन है। केरल प्रांत में एक महान राजा रहते थे जिनका नाम था मेधावी। मेधावी बहुत अच्छे शासक थे, हर प्रकार से प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाले थे, और सभी को बड़ा प्रेम प्रदान करते थे, सुसंस्कृत थे, संस्कार से पूर्णता परिपूर्ण होने के कारण प्रजा को हमेशा भक्ति कार्यों में लगाकर रखते थे। उनके यहां पर एक महान भक्त ने जन्म लिया जिनका नाम था चंद्रहास। बोलो चंद्रहास भक्त की जय। और वो चंद्रहास कोई साधारण नहीं, भगवान का निज गण था, पार्षद था, बचपन से ही भगवान के दर्शन करता, स्वप्न में भगवान का सुंदर सुंदर लीलाओं को दर्शन करता, और मन ही मन हरिनाम करता। इस तरीके से उसका जीवन चल रहा था। अभी मात्र 4 वर्ष का हुआ था, और उस राज्य में शत्रु राजा ने एक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मेधावी राजा बहुत अच्छे से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह सुना उनकी रानी ने कि महाराज अब नहीं रहे, तो वह सती हो गई उनके साथ, और ये 4 वर्ष का बालक, अभी इसने अपने आप को नहीं जाना, संसार को नहीं जाना, होश नहीं संभाला, केवल हरि के नाम के वश में और हमेशा हरि की चिंतन में जो लगा रहने वाला बालक चंद्रहास,
एक दाइमा थी जो उनको पालती थी। उस दाइमा ने चोर रास्ते से उन बच्चे को बचाते हुए लेकर के दूर एक राज्य में ले गई। उस राज्य का नाम था कुंतल प्रदेश, कुंतलगढ़। वहां जाकर के रहने लगी और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद वह जो दाइमा थी वह भी चल बसी और ये बच्चा अनाथ हो गया। एक वर्ष तक पालन पोषण करने के बाद ये बच्चा एक मंदिर में रहने लगा और मंदिर में हरिनाम करता, सुबह शाम जो संकीर्तन होता उसमें भाग लेता और जो प्रसाद वहां मिल जाता उसको पाकर के अपना जीवन यापन कर रहा था। हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरीके से उसने जो मंदिर में आने वाले बच्चे हैं उनको मित्र बनाया और सबको हरि नाम से जोड़ दिया। सबको हरि कथा छोटी मोटी जो मंदिर में सुनता वह सुनाता और सबको संकीर्तन में लगाता, टोली बना ली और हमेशा हरि नाम संकीर्तन करता लेकर के बजाने लगा। समय बीता, एक साल और हुआ तो बच्चे के अंदर भक्ति तो स्वभाव में थी ही, पहले से पूर्व जन्म से ही। भगवान के निज पार्षद नारद जी वहां आए और चंद्रहास को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उन्होंने हरिनाम प्रदान किया और गोपाल मंत्र प्रदान करके उनको दीक्षित कर दिया। बोलो नारद मुनि की जय, चंद्रहास प्रभु की जय। अब समय बीता, कुंतलपुर का जो राजा था, कुंतलपुर का राजा बहुत अच्छा भक्त, विरक्त और प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उसका एक मंत्री था, भरोसे वाला मंत्री, उसका नाम था ध्रष्ट बुद्धि। जिस प्रकार से नाम है ध्रष्ट बुद्धि, ऐसी उसकी बुद्धि थी। उचाल चल करके राजा के पूरी प्रजा का पालन करता था और उसने राजा जितनी ही संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। उसके दो पुत्र थे और एक कन्या थी मंत्री के। मंत्री के जो पुत्र थे, एक का नाम अमल और एक का मदन, और बिटिया का नाम था विश्या, विश्या। और जो कुंतलपुर के भक्ति में रहते हुए प्रजा का पालन करते हुए कुंतलपुर के राजा रहते थे, लेकिन मंत्री का जो बड़ा पुत्र था मदन, वह भगवान का भक्त था, साधु का बड़ा सम्मान करता था। मंत्री का मन नहीं था इन सब चीजों में, लेकिन मदन का बहुत था। तो एक बार क्या हुआ, राज्य के अंदर बड़े संत आए, साधु आए, उनका संकीर्तन हुआ, कथा हुई, और जैसे ही यहां कथा का आयोजन है ऐसे ही हो रहा था, तो पास में से एक गली में से चंद्रहास बच्चों की टोली लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। जब ऋषियों ने देखा इतना सुंदर बालक और इस तरीके संकीर्तन करता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने मदन को भेज करके बुला लिया, इस बच्चे को बुला के लाओ। बच्चा और जो उसके साथ और अन्य बच्चे थे उन सबके साथ वहां आया, प्रणाम किया और बैठ गया। तब उन्होंने बोला अब सुनाओ दोबारा क्या गा रहे थे। फिर से महामंत्र हुआ, बहुत सुंदर कीर्तन गाया बच्चे ने।
उसका जो तेज था उस बच्चे का उसको देख करके एक वहां ज्योतिष आचार्य भी जिन्होंने बुलाया और देख करके कहा कि इसके शरीरों के अंगों में जो अंकित चिन्ह है वह बताए साधारण बालक नहीं, ये क्षत्रिय बालक और किसी राजा का बच्चा है और निश्चित तौर से हे मंत्री जी ये यहां का भी राजा बनेगा। मंत्री तो लालची था, अंदर ही अंदर यह बात उसको तीर की तरह भी थी कि मेरे बच्चों के अलावा ये अनाथ बच्चा कैसे राजा बन सकता, मैं इतनी मेहनत से इतनी संपत्ति अर्जित की और इस पूरे राज्य का मैं राजा बनने की अभिलाषा लिए बैठा हूं और राजा के कोई पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र हैं, इस अभिलाषा से जी रहा हूं कि मेरे पुत्र राजा बनेंगे और ये क्या कह रहे हैं ऋषि लोग कि ये अनाथ बच्चा चंद्रहास यहाँ का महाराज बनेगा। लेकिन ऋषियों के सामने तो मंत्री कुछ कह नहीं सकता था, अंदर ही अंदर उसको बात लग गई और उसने सोचा कि इसको मैं अभी मार डालता हूं, ये जो आगे चल करके राजा बनेगा ही नहीं और मेरे बच्चों को ही राज मिल जाएगा। ये सोच करके समस्त बच्चों को वह मंत्री दृष्ट बुद्धि कहां ले गया, बोला मेरे घर चलो मैं मिठाई दूंगा, मिठाई के बारे सबको ले गया और सबको मिठाई दे करके सबको विदा कर दिया, चंद्रहास को रोक लिया। एक वधिक जो वध करने वाले होते उसको बोलते हैं वधिक, वधिक को बुलाया कि इसको ले जाओ जंगल में और इसका वध कर दो। वो वधिक उसको लेके गया जंगल में और रात्रि का समय हो गया, चलते चलते तो वह बच्चा जान गया चंद्रहास कि ये मुझे मारने ले जा रहा है एकांत में। तो उस बच्चे ने कहा देखो भैया तुम जो भी कार्य करोगे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा तुम मुझे मारने ले जा रहे हो, एक बार मुझे प्रभु की वंदना करने दो, उनका स्मरण करने दो, उसके बाद तुम्हारी जो अभिलाषा उसे पूर्ण कर लेना। ये चंद्रहास कह करके भगवान का स्मरण करने के लिए नीचे झुका, प्रणाम किया और बड़े सुंदर तरीके से हरिनाम संकीर्तन करता हुआ आंखों से श्रुपात होने लगे। चंद्रहास की यह दशा देख करके वधिक का जो हृदय जो पाषाण रूपी था पत्थर रूपी था वह भी पिघल गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। उस वधिक के भी आंखों से अश्रु आने लगे और उसने कहा चंद्रहास तुम जाओ आराम से आनंद से भजन करो, तुम्हारे जैसे भक्त जब तक यहाँ हैं तब तक ये पृथ्वी सुरक्षित है, भक्ति नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे। वधिक ने क्या देखा कि उस बच्चे के छह उंगलियां थी पैर में, एक पैर में छह उंगलियां थी, कहा देखो मुझे जो आदेश हुआ मंत्री ने उसे भी पूर्ण मैं कर लूंगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे छठी उंगली काटनी पड़ेगी, इस छठी उंगली को मैं ले जाकर के मंत्री को दिखा दूंगा, वह सोचेगा तुम मर गए और तुम आराम से मुक्त होकर के भजन करना। तो उन्होंने कह दिया ठीक है जैसी आपकी इच्छा। उसने वह उंगली काट करके लेकर चला गया और जाकर के उसने दिखा दिया मंत्री को दृष्ट बुद्धि को, देखो मैंने चंद्रहास को मार दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो मैंने जो है ज्योतिष आचार्यों की जो वाणी है उसको भी मोड़ दिया, उन्होंने कहा राजा बनेगा और मैंने वह होने नहीं दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, भजन कर रहा है वन के अंदर चंद्रहास, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पड़ोस का ही एक और राज्य था, उधर के नरेश वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई बालक वहां पर रोते रोते हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, उसको बुलाया बेटा आप इधर क्या कर रहे हो, मैं इधर अकेला हूँ और हरिनाम कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हारा कोई नहीं तो हम है तुम्हारे, उनको साथ ले गए। उस बच्चे से जब प्रभावित हुए 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ये यहाँ का राजकुमार होगा, उन राजा के भी कोई पुत्र नहीं था, चंद्रहास को वहां पर राजकुमार घोषित कर दिया गया। अब राजकुमार यहां बनने के बाद इसने चंद्रहास ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सबको भक्ति में लगा दिया, जिस प्रकार से बड़ौक में आप सब भक्ति में लगे हैं महाराज की वजह से, ऐसे ही चंद्रहास ने उस प्रजा को सबको भक्ति में लगा दिया और देखते ही देखते इतना यश फैला उस प्रजा का कि उसने जो कुंतलपुर में, क्योंकि कुंतलपुर के नीचे वह रियासत थी उसको ऋण कर देना पड़ता था, 10,000 अशर्फियां देनी थी हर वर्ष, वह जब दी और मंत्री ने वह अशर्फियां लेकर के उस चंद्रहास का
यश को सुना तो उसके अभिलाषा हुई कि उस पुत्र को मैं भी देखकर आऊं। अब ये दृष्ट बुद्धि राजकुमार चंद्रहास से मिलने गया और देखने गया कि कौन है ऐसा बालक जो चंद्र जो राजकुमार होकर के सब जगह उसने भक्ति का प्रचार किया। दृष्ट बुद्धि जब गया तो उधर जो राजा था चंद्रहास के साथ उसका आदर सत्कार किया। चंद्रहास को देख करके दृष्ट बुद्धि एकदम से अवाक रह गया कि इसे तो मैंने मरवा दिया था, ये कैसे जीवित है। उसने सोचा कि इसको मैं पुनः मरवाता हूं और उसके साथ दृष्ट बुद्धि के साथ उसका बेटा उसका मंत्री एक मंत्री था उसको बोला तुम मेरी चिट्ठी देकर आओ जल्दी से जल्दी। फिर उसने मना किया कि तुम रहने दो ये बच्चा चंद्रहास ही क्योंकि ये नवयुवक है और साहसी है इसको तुम अपना घोड़ा दो ये देकर आएगा मदन को। मुझे एक बहुत जरूरी कार्य याद आ गया मेरा जाना जरूरी था लेकिन मैं अभी दो तीन दिन यही रहूंगा ये चिट्ठी जाकर के मेरे पुत्र मदन को देकर आओ। चंद्रहास घोड़ा लेकर के चले और वह दोपहर हुई तो दोपहर एक वन में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पर उनको नींद आ गई। हाथ में चिट्ठी थी और उसको बोला गया था चिट्ठी खोलना नहीं मदन ही खोलेगा मदन ही देखेगा चिट्ठी में क्या है। उसमें चिट्ठी में जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि जैसे ही ये चंद्रहास पहुंचे इसको विष दे देना। और वो चिट्ठी उसने खोली नहीं सो रहा था तभी कुंतलपुर के पास ही वो वन था और वहां पर इनकी बिटिया दृष्ट बुद्धि की बिटिया विषया अपनी सखियों के साथ और राजा कुंतलपुर नरेश की पुत्री वह भी वहां पहुंची और विषया घूमती घूमती ठीक चंद्रहास के पास पहुंची। उसको देख करके चंद्रहास को बड़ी प्रभावित हुई इतना सुंदर पुरुष और देख करके जब देखा कि उसके पास ही एक पत्र पड़ा है उसको खोला तो देखा है ये तो मेरे पिता ने लिखा है और पिता ने क्या लिखा है कि जैसे ही ये कुंतलपुर में पहुंचे मदन तुम इसको विष दे देना। तो उसे बड़ा दुख हुआ मेरे पिताजी इस प्रकार से हो सकते हैं किसी की हत्या कर सकते हैं निर्दोष बालक की निर्दोष युवक की हो सकता है मेरे पिता से लिखने में गलती हो गई होगी। देखा कि इसमें विष नहीं विषया लिखा होगा और विषया लिखने की जगह उन्होंने विष कर दिया होगा। तो विषया ने क्या सोचा कि या लगाना भूल गए मेरे पिताजी उन्होंने विष या फिर अपने काजल से उसमें या और लिख दिया और वापस उधर रखकर वो चिट्ठी चली गई। थोड़ी देर में चंद्रहास उठा और चिट्ठी को लेकर के वापस कुंतलपुर पहुंचा। जब तो वहां पर मदन जो दृष्ट बुद्धि का पुत्र था उससे मिला। दृष्ट बुद्धि ने देख करके उनका आदर सत्कार किया चिट्ठी पढ़ी कहा जैसे ही चंद्रहास तुम्हारे पास पहुंचे तुम उसको विषया दे देना। ये सुनते ही देखते ही पढ़ते ही उसने सारी प्रजा को बुलाया और उन दोनों का विवाह करा दिया। तो देखो कहां तो दृष्ट बुद्धि उसको मारना चाहता कहां दृष्ट बुद्धि की बिटिया से उसकी शादी होगी। तो भगवान हर जगह पग पग पर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। समय बीता तीन दिन बाद जब दृष्ट बुद्धि आया तो देखा ये क्या इसे तो मर जाना चाहिए था और इसने तो उल्टा मेरी बिटिया से शादी कर ली। तो बड़ा ही परेशान हुआ बड़ा दुख हुआ। जब राजा ने देखा कि ये तो बहुत गुणशाली पुरुष है चंद्रहास इसी को मुझे अपनी बिटिया भी दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भक्त बच्चा है और इसको देने में ये प्रजा भी सुरक्षित रहेगी इसको मैं राजा बनाऊंगा ये सोच करके उसने भी उनकी शादी कराने का निश्चय किया। जब शादी कराने का निश्चय किया इधर जो दृष्ट बुद्धि है इसने चंद्रहास को कहा कि तुम एक काम करो ऊपर जो पहाड़ी है ऊपर काली देवी का मंदिर है उधर जो है शादी होने के बाद एक बार पूजा करनी पड़ती है। देखो दृष्ट बुद्धि की बुद्धि अभी भी सुधरी नहीं उसका दामाद हो गया चंद्रहास तो भी चाहता है कि इसको मार दूंगा चाहे मेरी बिटिया भले विधवा क्यों ना हो जाए। तो उसने उसको भेजा कहा कि तुम ऊपर जाओ काली के मंदिर में और एक वधिक को वहां पर तैयार कर दिया जैसे जो भी आए पहला व्यक्ति उसको मार देना। अब यहां पर चंद्रहास जाने लगा उस पहाड़ी पे तो इधर जो राजा था कुंतलपुर का उसने कहा तुम जल्दी से
चंद्रहास को लिवा लाओ, मैं आज उसके फेरे फिरवाऊंगा अपनी बिटिया से। तो वो दौड़ा दौड़ा मदन, जो श्रद्धा भाव रखता था भक्तों के प्रति, वह गया और बीच में रस्ते में मिल गया चंद्रहास को। उसने कहा, आपको राजा ने बुलाया, वह आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहते। तो इन्होंने मना किया कि मुझे तो आपके पिताजी ने मंदिर के लिए भेजा है, मैं जाके पूजा करके आऊंगा। तब उसने कहा, आप चिंता ना करो, मैं जाता हूँ, मैं पूजा कर आता हूँ, आप जाओ विवाह करो। इधर मदन तो चला गया मंदिर में, चंद्रहास आ गए विवाह स्थल में। अब वहां पर विवाह हुआ और मदन ऊपर जब पहुंचा, वधिक ने मदन को मार डाला। अब जब ये बात पता चली कि ऊपर एक व्यक्ति का वध हो गया है और वह व्यक्ति कौन है, मदन है, दृष्ट बुद्धि का बेटा। दृष्ट बुद्धि दौड़ा दौड़ा गया उधर जाकर के, बिल्कुल रोता रोता परेशान हुआ और तलवार लेकर के उसने अपनी भी गर्दन काट ली कि जब मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा जी। यहाँ राजा को पता चला, चंद्रहास को पता चला, दोनों गए हैं वहां पर। और वहां पर चंद्रहास ने देखा कि ये सब क्या हुआ, कहा मैं इधर क्या करूंगा, मेरी वजह से हुआ है। तभी एकदम से देवी माँ प्रकट हो गई, कहा चंद्रहास तुम अपने को मारो मत। चंद्रहास भी अपनी आत्महत्या करने जा रहा था, तभी देवी जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा तुम ऐसा ना करो, तुम यहाँ के राजा हो, राजा बनकर यहाँ तुम्हें शासन करना है। और ये जो राजा है कुंतलपुर का, ये विरक्त संत है, बहुत दिनों से सोच रहा था कोई उपयुक्त पुरुष मिले तो मैं राजा बनाकर चला जाऊं। तो उन्होंने, ठीक है देवी मैया, आप जैसा आदेश करती है वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दोनों भी जीवित हो जाए। क्योंकि देवी मैया ने कहा कि वर मांगो, तो वर ये मांगा कि इन दोनों को भी जीवित कर दीजिए। दोनों को पुनः जीवित करवाया और उनके मन की जो मलिनता थी वह भी दूर हो गई, हृदय से लगाया और चंद्रहास की पूरे दक्षिण भारत में यश फैल गया। बोलो चंद्रहास प्रभु की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हमारे वंशी वदन प्रभु आ चुके हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपको कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत की धन्यवाद वांछा कृत हरि कृपा सिंधु के छपति तना पावने वैष्णव जीवन जगन्नाथ जी से जा रहे हैं गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जो हम भारतवासियों के ऊपर बरस रही है, ऐसे ही हम नित्य निरंतर आजीवन प्रार्थना करें जन्म जन्मांतर में हमें ऐसे सद्गुरु की आपकी चरण छाया के तले रख के हमें कृष्ण भक्ति की प्राप्त कराए, यही हमारा गुरु महाराज जी के चरण में प्रार्थना है। उपस्थित वंशीवदन प्रभु, समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा इस अधम का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। जगत में जब जगत सृष्टि हुआ तो उस समय प्राकृतिक सृष्टि कुछ इस प्रकार से शुरू हुआ। महत तत्व, अहंकार और इंद्रियां,
तो ये अहंकार एक जीव के अंदर रहता ही है। अहंता क्या मतलब है? मेरा। ये मेरा कहां से आया? ये मेरा एक ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? माया की दी हुई ज्ञान है। ये माया की, माया से ही ये शरीर का सृष्टि है। तो माया की उपादान स्वतः इस शरीर के अंदर रहेगा। एक है, हम जो शरीर को देख रहे हैं ये स्थूल रूप में जो हमारे चक्षु के सामने है, जिसको हम छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। स्थूल रूप में हमारे सामने विराजमान है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? जो दिखता नहीं है परंतु कार्यकारिता में इस शरीर के बराबर है, बल्कि इस शरीर से ऊपर है। हम जो इस शरीर से कर सकते हैं उससे भी ज्यादा वो वाला शरीर कर सकता है जो सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर में आंखें, हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब इंद्रियों को लेकर के ये देखने वाला शरीर। जो शरीर देख नहीं पा रहे वो भी तो बना हुआ होगा। तो सूक्ष्म शरीर वो कैसा सृष्ट है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब आया बात में अहंकार सृष्टि की एक उपादान है जिससे शरीर बनता है। तो ये अहंकार क्या है? यही अहंकार हमें जगत में जीने की क्या ज्ञान देता है। अगर हमारे अंदर ये स्वाभिमान नहीं रहेगा, ये अभिमान नहीं रहेगा कि हम मनुष्य नहीं है, तो हम जड़ बन जाएंगे। अगर हमारे अंदर ये नहीं रहेगा कि ये अभिमान, हम भारतवासी नहीं है, हम इसके पुत्र नहीं है, हम इसकी पति नहीं है, पत्नी नहीं है, तो हम स्वतः जड़ बन जाएंगे। तो यही अहंकार है। ये अहंकार कभी खुद को स्वामी बनाता है, कभी दास बनाता है। हम कहते हैं ना, हम वगैरह एंटरप्राइजेस में हम नौकर हैं, दास है। तो कभी कहते हैं हम उस एंटरप्राइजेस के मालिक हैं। तो हर एक व्यक्ति, क्योंकि सृष्टि का तो ये उपादान है, सभी के अंदर रहेगा। जो इस सृष्टि में आया उस सृष्टि के अंदर हर एक जीव के अंदर वो उपादान रहेगा। कौन सा उपादान? अहंकार। अहंकार का काम क्या है? खुद को मानता है। क्या? कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो है, वो वह है। तो वो अहंकार का काम है। अगर अहंकार नहीं रहेगा तो जीव जड़ बन जाएगा। तो यही कहते हैं कि वो हर एक वस्तु को अपनाता है और कहता है कि मैं इसका स्वामी हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से एक एक जीव वास्तव में अपने को स्वामी मानता है, एक व्यक्ति के अथवा एक वस्तु के। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा भी जो मालिक है, जो स्वामी है, जो नाथ है, वो कौन है? जगन्नाथ है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो भगवान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अनादि काल से, पता नहीं कब, कौन से जन्म से, हम जन्म जन्म भी हो गया, हमें भगवान के साथ कोई संबंध स्थापन नहीं हो पाया। तो ऐसे जो बहिर्मुख जीव है, जो भगवान से बिछुड़े हुए हैं, अब आप इस चीज को गौर करने की चीज है कि ये बात को मैं क्यों वहां से लेकर यहाँ तक आया हूँ कि हमारे अंदर स्वाभिमान है, अभिमान है कि हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं, हम दास हैं। तो वास्तव में हम कौन हैं? कहते हैं कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं मालिक हूं, मैं किसी के नाथ हूं। हम हमेशा ही दास रहेंगे। तो दो तत्व है और जीव बीच में है। जो जीव है, हम खुद को, हम कौन है? हम जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है। जो जीव है वही आत्मा है, वही जीवात्मा है। एक ही पर्यायवाची शब्द है आत्मा का। अब कैसे बता सकूं मैं आपको कि ये शरीर छूट जाने पर ये शरीर रह जाता है और वो शरीर, वो जो आत्मा कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। मानते हो आप इस बात को कि वो आत्मा निकल जाने पर शरीर मुर्दा बन जाता है? तो यानी कि ये शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, इसके अंदर जो बैठा हुआ वो आत्मा है। अब वो आत्मा का क्या स्वभाव है? मैंने अभी बताया ना, दो तत्व है, दो चीज है, और वो दो चीज के अंदर ही ये जीवात्मा रहती है। अगर वो दो चीज है, एक भगवान परमात्मा और एक माया, ये जगत है, ये जगत माया है, और वो जगत में जो मालिक है वो भगवान है। तो भगवान और माया के बीच में जो जीव है, वो जीव को
सुजोग मिलता है जब वो भगवान की ओर देखता है, उसको बोलते हैं अंतर्मुखता। वो भगवान के प्रति देखता है तो वो सोचता है कि हाँ मैं भगवान का अंश हूँ, ममेई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के मैं अंश हूँ। क्योंकि भगवान खुद गीता में बोलते हैं पिता हम अस जगत माता पिता मह जगत आता कहते हैं है? तुम्हें वो पिता च माता तुम्हें वो, तो वो स्वामी कौन है भगवान है। जब इस बात की ज्ञान होता है कोई आत्मा को, उसको बोलते उस दशा को बोलते उस स्थिति को बोलते उस अवस्था को बोलते अंतर्मुखता। वो भगवान के साथ संबंध स्थापन करता है। और दूसरा माया की ओर जब वो देखता है और वो माया उसको दास बनाता है, या तो आप भगवान के दास बनो या तो आप माया के दास बनो। हमारी स्थिति क्या है, हम बहिर्मुख में आए भगवान से, भगवान को पीछे करके माया को आगे रखा हमने, माया की ओर देखा, तो हम किसके दास बनेंगे, माया के दास बनेंगे। क्योंकि जीव हमेशा दास बनेगा। अब प्रश्न होता है कैसे दास, हम तो किसी के बाप है किसी का कुछ है। अब मान लीजिए इस स्थान के जो मुख्य व्यक्ति होंगे हम उनके द्वारा पालित पोषित होंगे, वो हमारे लिए सड़क बना रहे हैं, वो हमारे लिए लाइटें बना रहे हैं, हमारे बड़ोत की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे ही बड़ों से ऊपर चले जाए, एक डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्टेट, उसके बाद एक राज्य देश आता है, उसके बाद फिर पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी का भी कोई मालिक होगा। तो ऐसे करते 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 कोई ना कोई मालिक उसके ना उसके ऊपर होगा। गुरुदेव बाद में बताते हैं ना है? कि क्या है कि जो सुख का स्तर है वो वर्धितमान है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहते हैं कि सुख जो है वो ब्रह्मा जी तक है। तो इसी प्रकार से जो बड़ा बन जाता है वो सोचता है कि मैं मालिक हूँ। तो आप पूछिए, अगर आप बोले कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी भी बराक ओबामा को देखने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को देखने के लिए कभी गए हुए होंगे, तो वो भी उनके लाइन में जब रहते होंगे तो वो भी छोटे हुए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप बड़े होंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और वे भी जब घर पे आते होंगे उनके बच्चे और परिवार के साथ वो खेलते कूदते होंगे, उनके नाती पोते कभी उनको घोड़ा बना देते होंगे, तो मालिक तो वे बन गए उनके बच्चे। तो वास्तव में अगर देखा जाए कोई मालिक नहीं है, सब सेवक है, सब दास है। कोई देश की सेवा करते हैं, कोई राज्य की सेवा करते हैं, कोई किसके सेवा करते हैं, कोई किसके सेवा करते हैं, परंतु करना सेवा जीव का धर्म है। अगर किसी के कोई नहीं है तो वो क्या करते हैं, अनाथालय खोल देते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, जीव जंतु को सेवा करते हैं। सेवा करेंगे, जरूर सेवा करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो सेवा की वृत्ति कहाँ पे होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ज्ञान और अज्ञान। हम अज्ञान वश दुनियादारी की सेवा कर जाते हैं, मिलता हमें वही जिनकी सेवा करते हैं वो हमें अग्नि में धसा देते हैं। वास्तविकता है या नहीं है, दफनाना अग्नि में जलाना या नदी में बहा देना, यही तो होता है अंतिम समय में। और करते भी कौन है, जिसको हमने अपना समझ करके जन्म दिया, जन्म के उपरांत उनको परवरिश किया, बड़ा किया, पालन पोषण किया और अंत समय तक हमने उनको लेके चला, वही लोग हमें करते हैं। तो वास्तव में क्या हम उनके मालिक हैं? क्या मालिक अपने नौकरों के द्वारा ऐसी प्रताड़ित किया जाता है? तो ये है अज्ञान। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान कहते हैं जो भगवान है वास्तव में वो हमारे मालिक है। इसीलिए देखो जब जब भी जो जो भी भक्त हुए, अमरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भगवत सेवा किया और भगवान की सेवा करते हुए निसंदेह निष्कटक राज्य को भोग किया, यही तो है भगवत भक्ति याजन करने का फल। आज मंत्री मिनिस्टर लोग गाड़ी गाड़ी में रात बिता देते हैं, कहीं ये भय नहीं हो जाता, भय हो जाता है कि भाई हमें कोई गाड़ी में गोली ना ठोक दे, कोई हमें घर में मार ना दे, इतने चिंता। एक छोटा सा राज्य की ध्रुव महाराज जी ने, प्रहलाद महाराज जी 36,000 साल तक उन्होंने तपस्या किया, क्या उनके पति कभी विपत्ति आया, नहीं। क्यों, क्योंकि वो जगन्नाथ जी की सेवा किया। इसीलिए हर एक जीव का स्वभाव है कि वो दास, आप कभी अपने को मालिक नहीं समझना। यहाँ तक ये हो गया हमारा स्वरूप धर्म का विवरण, हमारा स्वरूप क्या है। अब दासत्व किसके हाथ में है, जो नाथ है। इसीलिए सारे जगत की जो नाथ है वह भगवान कृष्ण है। अब जब वो रास रचाए गोपियों के साथ रास विहार किया, ग्वाल बालों के साथ भगवान ने क्रीड़ाएं की,
माता यशोदा रोहिणी और नंद बाबा इत्यादि जितने भी गोप सखा गोप जितने पिता जाति के जितने भी गोप थे उनके साथ तो भगवान ने समस्त प्रकार की लीला किया, गोपियों के साथ रास किया तभी नाम पड़ गया गोपीनाथ। तो हमें क्या मिला? इसलिए वही गोपीनाथ दयाद्र चित बन करके अब उन्होंने देखा कि ऐसे आनंद जो ये मेरे जीव मुझे से बिछड़ करके बाहर कहीं भटक रहे हैं इनको भी मैं ऐसे आनंद कब प्राप्त कर रहा हूँ। इसीलिए हमारे लिए वही गोपीनाथ कलयुग में जगन्नाथ महाप्रभु बन करके आए, इसीलिए वो जगत नाथ हैं, हम सभी के नाथ हैं और हम उनके दास हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको नाथ नहीं मानता, माया को अपना भोग्य मानता है कि मैं नाथ हूँ, भगवान क्यों नाथ है, तभी माया उनको तरह तरह के कष्ट देता है। यही है हमारे लिए ज्ञान। तो इसलिए जगन्नाथ जो है बहुत दयालु है, कलयुग में हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी ऐसी स्वरूप में आए हैं। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, सभी भक्तों के अंदर उत्साह है, जान सकते हैं हम। अभी गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से आपको भी जगन्नाथ जी की कथामृत की रस वर्षा करेंगे। यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। वांछा कर बदर वैसे कृपा सिंधु में वैसे प्रतितान पाव में भयो वैष्णव में भयो में नमो गौर कर गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परमारथतम निरपाधिक करुणाबारिध गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते उनका हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभ गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षडगोस्वामी पाद रसिकाचार्य वर्ज महामोपाध्याय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल में दंडवत प्रणाम पर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में आदम का यथाथ प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, विशेष मुहूर्त है हम लोग के लिए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ये रथ यात्रा में हम लोग शामिल हुए। विश्व में एक ठाकुर जी है जो मूल विग्रह सिंहासन छोड़कर के बाहर आते हैं। जितने सारे विग्रह है आप देखना, मूल विग्रह बैठे रहेंगे, उनका विजय विग्रह होते हैं वो आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे हैं वो स्वयं सिंहासन छोड़ के बाहर आते हैं। उनको कहते हैं पतित पावन लीला, पतितों को पावन करने की लीला है। पावन मतलब पवित्र करना। कोई जगन्नाथ जी के पास जा पाए नहीं जा पाए, लेकिन ठाकुर जी ऐसा है सिंहासन छोड़ कर के बाहर आते हैं भक्त लोग के लिए, इसलिए उनको दारु ब्रह्म कहा जाता है। दारु ब्रह्म मतलब क्या है? क्या श्लोक? अखंडानंद दानत कहते खंडानम सर्व दुखानम
अखंडानंद दानतः तस्मात् उरु शब्देन दारु शब्देन परम ब्रह्म विधीयते। दा धातु द्वारा दीटा, दा धातु का दो अर्थ है, एक है देना और एक खंडन करना। दा धातु का कितना अर्थ है? दो। क्या है? देना और खंडन करना। सारी दुख को खंडन करते हैं और जो आनंद देते हैं अखंड आनंद, इसलिए उनका नाम दारु ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब भगवान। भगवान की जो विग्रह दारु में इसलिए है क्योंकि वो सारी दुख को खंडित कर देते हैं और जो आनंद देते हैं, जागत का आनंद नहीं, जैसा अभी कुछ आनंद मिला थोड़ी देर के बाद दुख के रूप में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन जगन्नाथ जो आनंद देते हैं वो खंडित नहीं होता। अखंडानंद दानतः तस्मात् उरु शब्देन परम ब्रह्म विधीयते। इसलिए ये जगन्नाथ जी बड़ी विचित्र है, उनका स्वरूप देखो। दुनिया में एक विधान है कि नग्नं भग्नं न पूजयेत। कोई विग्रह बनाने के बाद अगर कपड़ा नहीं है, कपड़ा पहना करके ही भोग जो उनको सेवा किया जाता है, और टूटा हुआ विग्रह को सेवा नहीं किया जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी देखो और नग्नं भग्नं प्रपूजयेत, वो पूजित होते हैं टूटा हुआ होने पर भी। हाथ ऐसा है कोई तो अंगुली होना चाहिए, लेकिन हाथ ऐसा है। ऐसा क्यों हाथ है ठाकुर जी का? वेद में एक मंत्र है, अपाणि पादो जवनो ग्रहिता पश्यत चक्षु सश्रुण तकन्या सबेति वेद्यम नच तस्यास्ति वेता तमाहुरग्रम पुरुषम महंतम। हाथ इसलिए है, भगवान कहते देखो भक्त हाथ उठाने से पहले ठाकुर जी हाथ उठा देते हैं, तुम हाथ उठाओ तो हम तुमको पकड़ के मिले लूंगा। और सबको अपनाने के लिए एक भावना है, अगर किसी व्यक्ति का अंगुली है वो पकड़ेंगे, कितने लोग को पकड़ेंगे? एक दो चार पांच। अगर हाथ ऐसा है, अनंत दिग्बल के अभिमुख में यात्रा करता है, तो उसके अंदर जितना आदमी आए तो आ जाएंगे, अपना लेंगे। इसलिए सारे जगत को अपनाने वाला जगन्नाथ, दोनों हाथ तो है ही लेकिन अंगुली नहीं है, और चक्षु तो है लेकिन पलक नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई देवता है ठाकुर जी है जिनके पलक नहीं होगा? लेकिन ये जगन्नाथ जी है, पलक नहीं है। क्यों पलक नहीं है? पलक इसलिए नहीं है कि कली युग में ज्यादा से ज्यादा लोग पतित है, पापी है, किसको पता है, कभी भी आ सकते। और मैं सो जाऊंगा और वापस चला जाएगा तो पति तपावन बाना में कलंक आ जाएगा। इसलिए ठाकुर जी जानबूझ करके कलयुग में जगन्नाथ में प्रकट हुए, पलक रखा ही नहीं, सोते ही नहीं, सब समय तैयार है, कब आओ, भक्त आए तो बस दर्शन करके कृपा करते। लेकिन जितने सारे ठाकुर जी उनका आंख कमल पुष्प की तरह, लेकिन जगन्नाथ की आंख ऐसा है गोल। लेकिन केवल आंख गोल नहीं है, उनका पैर भी देखो धरणी पाद कहते हैं, पृथ्वी जैसा पाद उनका गोल। हाथ देखो गोल, चक्षु देखो गोल, सारी चीज उनका गोल है। क्यों? उनका आदि नहीं कि अंत भी है, राउंड का कहां से शुरू है कहां से अंत भी बता सकते। जगन्नाथ जी का भी ऐसा है, आदि नहीं अंत नहीं। समुद्र का जैसा क्षय नहीं कि वृद्धि नहीं, जगन्नाथ जी की वैसा है, हर समय वही स्वरूप। और गोलाकार इसलिए, उसमें तीन चीजें देखना, एक रेड कलर का, उसके अंदर सफेद कलर का, उसके अंदर काले कलर का, तीन गोल है। तीन गोल किस लिए? ये
रेड कलर है माया, सफेद कलर है जगत और काले कलर जो है कृष्ण। माया के द्वारा ये जगत बंधा हुआ है। मध्य देवी परात्परा भगवती जल्हादिनि रूपिणी निर्लिप्त गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी आनंद कंदा कनक तनुधरा सर्व सौभाग्य रूपा देही में शुद्ध भक्ति हरिपद जुगले जोग माया स्मरामी। ये सारे जगत को बांध कर रखा है माया, लोहित कलर की रक्त वर्ण, अंदर सफेद कलर जो है जगत, यानी सारा विश्व माया के द्वारा आच्छन्न, लेकिन अंदर कृष्ण। इसका मतलब शिक्षा है कि जीव तुम माया के अंदर कबलित तो होने पर भी तुम्हारे ध्येय वस्तु माया नहीं है, बीच में रहने वाले काले कलर कौन है? कृष्ण। और जगन्नाथ मंदिर को कौन कौन जगन्नाथ पुरी गए मंदिर में? बस इतने कम लोग। हाँ, कोशिश करना अगला बार जाने के लिए। ये नवीन प्रभु, ये राहुल प्रभु, जनार्दन प्रभु से जो छब्बीस जा रहे हैं, छब्बीस जा रहे हैं, तो जा रहे तो दो चार लोग जा रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में देखा अनेक मंदिर है, लेकिन जो झंडा है ना पताका, कितने मंदिर में है तो देखा नहीं, केवल मूल मंदिर में, हर मंदिर में नहीं है। क्योंकि सूर्य का मंदिर अंदर है, लक्ष्मी का मंदिर अंदर है, सबका मंदिर है, लेकिन होने पर भी सब देवता, लेकिन भगवान एक है कृष्ण, इसलिए एक ही मंदिर में झंडा है, बाकी सब मंदिर में क्या है? झंडा नहीं है। एक प्रशासन के द्वारा प्रशासित होना पड़ेगा। इतने सारा मंदिर है जगन्नाथ जी के मंदिर में, देखना रोसई एक जगह बनता है केवल जगन्नाथ के लिए, वहां पर एक जगह भोग लगता है और सबको बुलवा देता है, निमंत्रण जाता है, जल्दी आओ भोग लग गया, प्रसाद पाना है, यानी सारी देवादेवी प्रसाद पाने के लिए जगन्नाथ जी के पास आते हैं। हर मंदिर में भोग नहीं लगता, ये तो विचित्र बात है जगन्नाथ मंदिर में। आप देखना ये जगन्नाथ जी विग्रह है हर जगह। अगर आप राम मंदिर को जाओगे बीच में कौन रहोगे? राम जी बीच में, राम जी होंगे इधर, सीता जी इधर, लक्ष्मण जी चरणों में, हनुमान जी। कोई भी मंदिर में जाओ जो मूल देवता है वो बीच में होंगे, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ बीच में कौन होना चाहिए? जगन्नाथ जी तो होना चाहिए ना, सुभद्रा देवी क्यों हुए? क्योंकि वहां के जितने सारी मंदिर सब कुछ लक्ष्मी देवी के नामकरण से, श्री मंदिर कहते हैं, श्री मतलब लक्ष्मी के नाम पर श्री मंदिर, क्षेत्र भी श्री लक्ष्मी के नाम पर श्री क्षेत्र या राधारानी के नाम पर श्री क्षेत्र, श्री मंदिर सब कुछ श्री के नाम पर, और जितना प्रॉपर्टी है सब बलदेव प्रभु के नाम पर, बलदेव जीव प्रॉपर्टी का होल्डर है, बलदेव जीव अथराइज, लेकिन रक्षणा वेक्षण शंकर जी करते हैं, इसलिए चाबी जब लक्कर हो जाता है चाबी रहता है लोकनाथ के पास, जो शिव जी वो चाबी रखेंगे भंडार रखे, अथराइज बलदेव प्रभु, रक्षक लोकनाथ शिव जी, और खुद तो बहन सुभद्रा देवी दुखी हो गई, सारी नामकरण कर दिया अपना पत्नी के नाम पर और भाई को दे दिए अथराइजेशन रक्षणा विक्षणा करने के लिए, मुझे क्या मिला? भगवान को कोई चिंता नहीं, बीच में तुम रह जाओ तुमको दर्शन मिलेगा, जितने हमारे भक्त लोग आएंगे पहले तुमको दर्शन करेंगे बाद में दर्शन। इसलिए आप अगर जगन्नाथ मंदिर में जाओगे मूल मंदिर में पूरा पूरा तीनों को एक साथ देख नहीं पाओगे, बीच में सुभद्रा देवी को पहले देखोगे, इधर आओगे तो बलदेव प्रभु को देखोगे, उधर जाओगे तो जगन्नाथ जी को देखोगे, देखना होगा। और जगन्नाथ जी बोले मेरा नाम लेना कोई जरूरत नहीं, साइड में बैठूंगा तो भी हमारे नाम अपने आप हो जाएगा।
और जितने सारी कहते ठाकुर जी जब सोते हैं बद्रीनाथ आते इस तरफ जाओगे आप लोग बद्रीनाथ कभी गए नहीं बद्रीनाथ में गए थे ये तो पास में और महाराज जी के साथ जाना चाहते हो हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ प्रेमचंद प्रभु हमारे कहाँ गए बता रहे थे कि जाएंगे महाराज से बात करेंगे बोले प्रभु जी सब लोग चलो एक बार बद्रीनाथ में कथा होना चाहिए और उसी धाम में सब लोग जाके कथा सुनेंगे चलोगे बिल्कुल हाँ बद्रीनाथ बोलो बद्रीनाथ की जय महाराज जी रेकमेंड करे तब तो बद्रीनाथ में ठाकुर जी सोते हैं रामनाथ में स्नान करते हैं समुद्र के किनारे नहाना है तो रामनाथ में नहाते हैं श्रृंगार होने के लिए जाते हैं कहा द्वारिकानाथ द्वारिका और खाने के लिए जगन्नाथ 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 के बाद जगत प्रसारे हाथ बस लेकिन ठाकुर जी की पेट नहीं है कमर है देखा ना जहाँ कपड़ा पहनते उसको क्या कहा जाएगा मुख के बाद कमर शुरू है पेट बिल्कुल है ही नहीं लेकिन फिर भी खाते हैं ठाकुर जी जगन्नाथ जी कितना खाते हैं पता है एक बार जब मंदिर प्रतिष्ठा हुआ जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा होने के बाद ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले देखो राजा मां मृत नृपसार दुल परम ब्रह्मकृति स्वयं दारवी मूर्ति रे से प्रतिमा रत्र वही मां मृत नृपसार दुल दारवी मूर्ति मुझे कभी ठाकुर जी बताते मुझे कभी लकड़ी का एक पुतली जैसा मत समझो मैं स्वयं भगवान हूं आदमी ना कभी कभी विश्वास नहीं करते इसलिए भगवान खुद कहते मैं भगवान हूं भगवान मुझे समझो मेरा पास आओ मेरा शरणापन्न हो जाओ सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज मुझे ही नमस्कार करो मनमना भगो मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कारो मैं ठाकुर जी कहते लेकिन ठाकुर जी मैं कहने से अहंकार नहीं होता है वो सत्यता प्रतिपादन होती है लेकिन हम लोग मैं बोलने से बकरी बन जाएंगे अहंकार होगा बकरा बन जाओगे बकरी बन जाओगे तो ये ठाकुर जी बोले कि देखो राजन तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूं कुछ वर मांगो राजा ने बोला ठाकुर जी आपने प्रकट हो गए मंदिर में वर और क्या मांगना है वही वर है कि आप रात को आप 12 बजे सोएंगे 3 बजे उठ जाएंगे ठाकुर जी बोले इतना टाइम करूंगा क्या बोले कोई असुविधा नहीं आप बस खाते रहना सुबह उठोगे नहा धोने के बाद तैयार है प्रसाद गोपाल वल्लभ ये हो गया फिर श्रृंगार चेंज होगा फिर खड़े हो जाओगे फिर प्रसाद खा करके फिर श्रृंगार होगा फिर खड़े हो जाओगे फिर प्रसाद 7 बार वस्त्र कपड़ा चेंज करते ठाकुर जी 8 बार भोग लेते खाते बस ऐसा खाते हाथ नहीं सूखता प्रसाद प्रसाद फिर तैयार कभी इसलिए जगन्नाथ मंदिर जाना देखना हर समय भोग लगता है ठाकुर जी बोले वो तो मेरे लिए मांग लिया तुम्हारे लिए कुछ तो मांगो जगन्नाथ जी बोले कि ये तो मेरे लिए मांग लिया तुम्हारे लिए तुम कुछ मांगो बोले हाँ हमारे लिए ये वर देना प्रभु जी कि हमारे घर में कोई संतान ना हो इसलिए तुम कुछ बार मांगो बोले क्यों ऐसा मांगते हो बोले प्रभु अगर बाद में कोई आके हमारे कुल में बताया कि ये हमारे पिताजी मंदिर बनाया था हमारे धर्म नष्ट हो जाएगा क्योंकि हमने समर्पण किया तो बोलना नहीं चाहिए इसलिए मुझे आप वर दीजिए ठाकुर जी बोले ठीक है मैं तुमको देता हूँ लेकिन एक शर्त है मैं तुम्हारे खुद बेटा बन जाऊंगा तो ठाकुर जी उनका बेटा बन गए बोले लेकिन नहीं तुम कुछ वर मांगो मैं देना चाहता हूं फिर राजा बोले प्रभु आप प्रकट हो गए मैं आपको एक वर मांगता हूं सेवा दीजिए मुझे कि आप जब रथ यात्रा में बाहर आएंगे मैं झाड़ू लगाऊंगा अगर ठाकुर जी चाहते हैं
अगर ठाकुर जी चाहते ये वर देते कि राजा चाहते तो जरूर वर मांगते कि हम क्या करें, घंटी बजा के भोग लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये वर मांगा नहीं, उन्होंने ये मांगा कि हम झाड़ूदार काम करेंगे। क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे। ठाकुर जी बड़ी प्रीति से बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मैं जब आऊंगा सेवक लोग मुझे पकड़ करके पैदल में आऊंगा, विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाए थे पारे अपनी इच्छाएं चले करित बिहारे। लेकिन तुम जब आओगे झाड़ू लगाने के लिए विमान के बैठ करके आओगे, ठीक है? राजा बोले ठीक है। ठाकुर जी बोले मैं जब आऊंगा सेवक लोग मुझे बांध करके लाएंगे खींचते हुए, लेकिन तुम जब आओगे हमारे वही सेवक लोग तुमको कंधे के ऊपर बैठा करके लाएंगे। राजा बोले ठीक है। ठाकुर जी कहे इतना ही नहीं, मैं जब आऊंगा हमारे बड़े भाई जब आएंगे एक छतरी व्यवहार होगा सफेद काले कलर का, और मैं जब आऊंगा सफेद कलर का, लेकिन तुम जब आओगे तुम्हारे सामने दोनों छतरी आएगा। ठाकुर जी हमारे पास आ रहे हैं तो इसलिए बड़ी कृपा है। ठाकुर जी जगन्नाथ जी के पास हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप कृपा कीजिए हम आपकी गुरुदेव की वैष्णव की कैसा सेवा कर सके। ठीक है, बोल करके मैं को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बोले श्री तारो भैया की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय। बोले श्री सुभद्रा देवी की जय। बोले श्री सुदर्शन चक्र की जय। जय जय श्री राम। एक भजन सुन लो, कृष्ण रुक्मिणी कोई बन रहे कि नहीं बन रहे? कोई कृष्ण वृंदावन बिहारी की जय। जय जय श्री राम। हरे मोहन से दिल क्यों लगाया जाने। मैं जानो या ओ जाने, ए मैं जाने।
बोल आप लोग छह दिन नाचते नाचते बिल्कुल थक गया क्या? हाँ अभी तो थोड़ी देर बाद बहुत नाचना है रथ यात्रा में। आज तो कथा के बाद बहुत अच्छा प्रसाद है। प्रेम प्रभु जी बोले कि मटर पनीर है तो इसीलिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। अभी से नाचना शुरू करें, थोड़ी देर बाद रथ यात्रा है। सभी उठ गए एक बार खड़े हो गए क्योंकि दो घंटे से बैठे बैठे आपके पैर थक गए होंगे। एक बार सभी लोग नृत्य करेंगे। Yeah.
उधर से आवाज आ रही है आधे आधे, अरे आधे नहीं बोलना है पूरा बोलना है, है? सभी लोग बोलेंगे क्या बोलना है, प्रेम से बोलेंगे सभी ताली बजा कर, हे प्यार से बोलो, हे ताली बजा कर, हे आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, ताली बजा के, हे आवाज नहीं आ रही, हे गोवर दल में, हे गरीब दाता, हे गरीब दाता में, हे मोकल दिल में, हे राजा दिल में, हे सांपों में, हे चिंतरोवर, हे ताली ताली के हरे कृष्णा, वो कृष्ण रुक्मणी बने के तैयार हो गए ना, कौन बना था, कहाँ पे हैं, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ओ माय ज्ञान कवि राम, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टगाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कदाचित् कालनीतकविमिन संगीततरल मुदा भीनारी बदन कमल आस्वादमनुप रमा शम्भु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा था ये कथा में कृष्ण रुक्मिणी बनने के लिए, पता नहीं कोई बनने के लिए, तुम लोग बन सकते, इसको रुक्मिणी बना दो, इसको कृष्ण बना दो, सर पर ये बना दो, केवल सर में थोड़ी सी मैरू मुकुट लगा दो और इसको सर पर एक कपड़े को बस हो जाएगा, जाओ बन करके आ जाओ, तुम दोनों बन करके आ जाओ। हरे कृष्ण, इसका मुकुट होगा जो बच्चों का जो मुकुट होगा ना कृष्ण साहब पहन लेना और तुम्हारा अपना सर पर का कपड़ा ओढ़ लेना अच्छे तरह से, चले जाओ फटाफट 10 मिनट बन करके। हरे कृष्ण, आज हमारी अहोभाग्य है श्री बड़ोतम श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसलिए जगन्नाथ जी बड़ी दयालु हैं, इनकी एक कथा सुन लो। जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा रथ यात्रा है। रथ यात्रा में कौन गए, गए हो रथ यात्रा में, आप देखना रथ यात्रा में जितने लोग हैं, पृथ्वी में किसी भी यात्रा में आप इतने लोग नहीं करोगे, मील मील तक अगर सरसों फेंक दो ना नीचे नहीं गिरेगा,
जगन्नाथ जी का जो रथ में जो रस्सी होता है वो आधा मील तक, एक एक रथ में चार चार मील, माताएं तो अंदर में घुस नहीं सकते, लेकिन हम लोगों के लिए भी वो रस्सी को छूना भी कठिन होता है। हम लोगों के लिए रस्सी को बोले छू ले, ये बहुत बड़ी चीज है। समझो इतने लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, छत के ऊपर में, रोड में, आप देखोगे ना लोका लोकारण्य देखोगे, इतने बड़ी यात्रा कहीं होती नहीं। एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जानी चाहिए, जिन लोगों ने नहीं गए इस बार कोशिश कर लो एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आने के लिए। कौन कौन आएगा बताओ, हाथ उठा, कौन कौन आएगा, कोई हाथ नहीं उठाए घर वाले। देखो जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं, अगर एक बार तुमने हाथ उठा लिया ना, कहते हैं ना तुम ठाकुर का तरफ में एक कदम बढ़ो ठाकुर जी 10 कदम रखते हैं, और ठाकुर जी ऐसे चक्कर घुमाएंगे ना आप जगन्नाथपुरी ले जाएंगे। केवल अगर हाथ उठा लिया तो बताओ कौन जाना चाहते हैं, अभी सभी जाना चाहते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में कहते वहां पर एक राजा है वो कांची है। अभी जगन्नाथपुरी का राजा उनका नाम था श्री जगन्नाथ जेना, कहते ये राजा है। अभी ये देखने में बड़े सुंदर पुरी का राजा, और जितने उड़ीसा में राजाओं में सबसे जो श्रेष्ठ राजा पुरी को माना जाता है। अभी कांची देश में वहां भी राजा बड़ा पराक्रम, उनके भी एक बड़ी प्यारी राजकुमारी थी, उसने सोचा मैं अपना राजकुमारी को जगन्नाथ पुरी का जो राजा है उसको साथ में मैं शादी कराऊंगा, क्योंकि वो बड़ा नामी राजा है। उनको पता चला जगन्नाथपुरी में जो सबसे बड़ी यात्रा श्री जगन्नाथ की यात्रा है, सोचा मैं जा करके देखूं सही मेरी जो बनने वाले दामाद ये जगन्नाथ की रथ यात्रा को कैसे मनाएंगे। जब वो देखने के लिए आया वहां पर नियम है रथ यात्रा चलने से पहले राजा रथ का सामने झाड़ू लगाता है, ये नियम है, और सोने की झाड़ू लगाता है राजा। झाड़ू लगाने का बड़ा महत्व वहां पर, लगाओगे तो झाड़ू रोड में लेकिन तुम्हारी हृदय में झाड़ू लग जाएगी, हृदय में झाड़ू तुम्हारी लग जाएगी। इसलिए अभी वो देखने के लिए आया, देखा उसका जो बनने वाले दामाद एक साधारण एक वस्त्र पहन करके जनताओं के सामने झाड़ू लगा रहा है। इसको देख करके तो बड़ा अपमान लगा उसको, बोले भैया अगर कोई देखने के लिए आए तुम्हारी बेटी की दामाद कैसे, अगर देखे मेन रोड में झाड़ू लगाते हुए अगर देख लेना मेरे को तो दुनिया बड़ी खिली उड़ाएगी। बोले कि झाड़ूदार को साथ में बेटी को शादी दिलाया। राजा मन मन में बड़े दुखी होकर कुछ बोला नहीं चला गया, लेकिन जिस शादी की बात चल रही थी राजा चुप हो गया। अभी पुरी के राजा ने सोचा अभी तो शादी की बात चला रहा था, कर कर सही हो गया था, पक्की हो गई थी, लेकिन कोई खबर नहीं आ रही है। उन्होंने एक दूत को भेजा, देख कर क्या क्या राजा कर रहा है। जब एक दूत कांची राजा में पहुंचा, बोले आपने शादी की बात चला रहे थे, बात क्यों बंद कर दी। बोले भैया मैं तो सोचा मेरे दामाद का सबसे बड़ा रथ यात्रा उनको महोत्सव, अब मैंने देखने के लिए गया तो ये तो मेन रोड में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहा था, अगर कोई हमारे परिवार से कोई गए अगर देखेंगे मेरे दामाद को झाड़ू लगाते हुए, दुनिया बोलेगी झाड़ूदार से अपना बेटी को शादी करा दिया। भैया मैं झाड़ूदार से शादी नहीं करा सकता हूँ, नाक कान नहीं कटवा सकता हूँ। ये दूत इसको सुन करके राजा को ये बात बता दिया। राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले हाँ मैं तो झाड़ूदार हूँ, लेकिन किसका झाड़ूदार हूँ, जगतपति जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हूँ, स्वयं बलदेव भी जिनकी चरण की सेवा करते हैं, माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, स्वयं ब्रह्मा शंकर नारद भी जिनकी चरण की सेवा करते हैं, इसलिए बोले ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। बोले जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा शंकर हैं, माँ लक्ष्मी जिनकी चरण को हर समय गोद में लेकर के चरण की पलटती चरण सेवा करती, उनका मैं सेवक हूँ, साधारण व्यक्ति का सेवक मैं नहीं हूँ, विश्व ब्रह्मांड तो उनकी सेवक है।
मेरे को उसने झाड़ूदार बताया, उसने उसी दूत को भेज दिया राजा के पास में, जाओ कल राजा तुम्हारी देश के ऊपर में आक्रमण करेगा और तुम्हारे साथ में युद्ध करके तुम्हारी बेटी को लेकर के वो झाड़ूदार से शादी करवाएगा। राजा भी बड़े क्रोधित होकर के दूत को भेज दिया। अभी पुरी राजा का जो इष्ट श्री जगन्नाथ महाप्रभु और वो कांची राजा का जो इष्ट ये गणेश, इनमें शर्त रहा जो राजा हार जाएगा उसकी इष्ट जा करके जो जीतेगा उसको पीछे बैठना पड़ेगा। अगर पुरी का राजा हार जाए इनकी इष्ट श्री जगन्नाथ जी और उनका इष्ट गणेश जी को पीछे जाकर के बैठना पड़ेगा, अगर वो हार जाए उनका इष्ट गणेश जगन्नाथ जी को पीछे बैठना पड़ेगा। इनमें शर्त रहा। पुरी राजा आक्रमण किया, आक्रमण करके युद्ध करते 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 सवेरे से शाम तक हो गया, लेकिन जितने सैनिक को वो मार रहा था देखा पीछे से उतना सैनिक कहां से आ रहे थे। राजा ने पता लगाया, भैया मैं जितने सैनिक को मार रहा हूँ ये खत्म क्यों नहीं हो रहे, उतना सैनिक पीछे से कहां से आ रहे हैं। उन्होंने पता लगा करके देखा वो जो गणेश है उसको गोद में एक देवी बैठी हुई, रिद्धि सिद्धि देवी बैठी हुई, उसकी चमत्कारिता है, आप जितने सैनिक मारो वो देवी उतना सैनिक को प्रसव करती है, वो प्रसव करती है। इसलिए शाम तक हो गया, राजा परास्त नहीं कर पाए, वहां से वापस आकर के सीधा जगन्नाथ जी को पास में गए, सीधा उनकी चरण में लेट गए। बोले ठाकुर जी मैं मेरे लिए युद्ध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा लिए युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ झाड़ूदार हूँ, लेकिन किसका झाड़ूदार, तेरा झाड़ूदार है, इसलिए मेरे को अपमान नहीं, ये अपमान तेरी है। अगर मैं हार गया ना तुम हार गए, अगर मैं जीत गया तो तुम ही जीता, याद रख अगर मैं हार गया ना तुमको जा करके उसको इष्ट को पीछे बैठना पड़ेगा, इसको याद रख। इसलिए अभी तू जो करना कर। जब राजा जगन्नाथ जी के चरण में लेट गए, देखो जगन्नाथ जी इतने दयालु, थोड़ी सी आप सच दी से जगन्नाथ जी को पूजा करो ना झट आवाज आती है। स्वयं जगन्नाथ जी बोले महाराज कोई चिंता मत करो, हम दोनों भैया कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, बलराम बलराम, कल तेरे पक्ष में दो सैनिक बन करके हम युद्ध करने के लिए आएंगे, इसलिए कोई तुम चिंता मत करो। इधर आए पतिदेवन प्रभु, इधर आ जा भक्त प्रभु जी, बुरारी महाराज सब आगे आ जा, इसलिए कोई तुम चिंता मत करो, हम दोनों भैया कल तुम्हारी साथ में हम युद्ध करने के लिए जाएंगे। बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बोले श्री बलदेव प्रभु की जय, जय जय श्री राम श्री राधे। आ जाओ ऊपर भक्त प्रभु जी, हरे कृष्ण भक्त, ब्लेस्ड जय जगन्नाथ महाप्रभु की। अभी सवेरे सवेरे राजा उठने से पहले कृष्ण बलराम उठ गए और दोनों सर धज करके एक काले घोड़े में और एक सफेद घोड़े में कृष्ण बलराम चटपल युद्ध करने के लिए सवेरे सवेरे गए। कोई एक उनकी कोई प्यारी कोई भक्त थी, कोई ग्वाली, उसका नाम था मानकी, वो दही बेच रही थी। अभी कृष्ण बलराम को भूख लग गया, उनको थोड़ी भूख लगती है, वो तो आत्माराम आपका काम है, लेकिन अगर किसी भक्तों की सेवा ग्रहण करना तो भगवान को अपने आप भूख प्रेम की भूख लग जाती है। इतने में कृष्ण और बलराम वो ग्वाली को पास में गए, बोले देखो हम दोनों भैया को बड़े भूख लग रहा है, हमें थोड़ा दही पिलाओगे। उन्होंने देखा बड़ी सुंदर है, 15-16 साल के बालक, एक श्याम रंग का एक गौर रंग का, बड़ी सुंदर बालक है। बोले आप तो दही नहीं पिलाओगे तो दही पिलाओगे किसको, लेकिन ये दोनों भैया तो बचपन से दूध दही मक्खन खाने का आदत है, वो जितनी दही थी उतना मटकी में, बड़ी मटकी में दोनों भैया तो पूरा का पूरा घोट लिया, पूरा का पूरा दही खा लिया। बोले पैसा दो, दोनों भैया इधर उधर झांकने लगे,
बोले भैया तो पैसा पैसा कुछ है ही नहीं। बोले क्या, खाने से पहले तुम दोनों सोचा नहीं पैसा है कि नहीं? मैं यही दही बेच करके मैं अपना संसार चलाती हूँ, और तुम लोग खाने से पहले सोचा नहीं पैसा मांगे तो झांक रहे हो, पैसा पैसा निकालो। इतने में श्री जगन्नाथ जी अपना अंगुल से एक बुद्धि का एक अंगूठा निकाले जो हीरे की बड़ी कीमती चीज है। बोले भैया ये अंगूठा रख लो। बोले क्या, सारे को सारे दही पी लिया कि पत्थर पे करके जा रहे हो? वो बेचारी कुआ ले नहीं, उसको हीरे की क्या महत्व पता है? उसने सोचा मेरे को कोई पत्थर दे करके जा रहा है। कृष्ण बलराम बोले कोई चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद में जगन्नाथ पुरी के राजा इधर से आने वाले, और ये मुद्रिका दिखा करके बोलना तुम्हारी दो सैनिक काले और सफेद घोड़े में एक श्याम रंग का एक गौर रंग का दो तुम्हारी सैनिक युद्ध करने जा रहे थे और हमारे से दही पी कर गए, उसका पैसा दो और ये मुद्रिका दिखा करके पैसा ले लेना। और कृष्ण बलराम चले गए युद्ध करने के लिए। थोड़ी देर बाद में पुरी का गजपति राजा हजार हजार सैन्य सामंत को साथ में धूल उड़ाते हुए दोनों भैया श्री जगन्नाथ जी के राजा आ रहे थे। ये ग्वालनी बीच में खड़ी होकर के खड़ी हो गई। बोले महाराज रुको, महाराज जी रुको। बोले क्या बात है? बोले आपका दो सैनिक आपसे पहले गए और उन्होंने सारे दही मेरे से पी कर गए और मेरे कोई पैसा नहीं दिया। बोले आप ही मेरे को पैसा देंगे? राजा बोले भैया मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ, कौन सैनिक गया? हमारे तो कोई सैनिक गए नहीं। बोले नहीं, उन्होंने प्रमाण भी दे करके गए। बोले क्या? बोले देखो, तो उन्होंने मुद्रिका दिखाया, देखा हीरे की, और जगन्नाथ जी को राजा स्वयं अपने हाथों से धारण कराया था। बोले भैया ये मुद्रिका को तो मैंने जगन्नाथ जी को दिया था, उसको ऊपर में जगन्नाथ जी के नाम लिखा हुआ। इतने में देख करके ना राजा इतने गदगद हो गए, अपना पालकी से उतरे और वो जो ग्वाल के चरण में गिर गए। बोले तुम कितने भाग्यवती हो, वो साधारण नहीं हो, वो स्वयं जगन्नाथ जी, इसलिए उसको चरण में गिरे। बोले लो उसका झोली रत्न से उसकी झोली भर दिए। बोले तुम यहीं पर खड़ी होकर के देखो चारी तरफ में, जितने दूर तक तुम्हारी निगाह जा रही है आज से ये देश का तुम रानी हो। एकदम उन्होंने तंबक के पत्ते में उसको नाम को लिख करके रानी बना करके गई वहां से। बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बोले श्री दाऊ भैया की जय। बोले श्री सुभद्रा देवी की जय। जब राजा गए वहां पर देखा ये कृष्ण बलराम जगन्नाथ और बलदेव घना घोर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जितने सैनिक मार रहे थे उतना सैनिक आ रहे थे। बोले भैया ये कहां से आ रहे हैं? जगन्नाथ जी पता चलाया ये राजा को पास में जो इष्ट श्री गणेश उसकी गोद में एक देवी बैठी है, वो रिद्धि सिद्धि देवी। वो जितने सैनिक मारते हैं वो सैनिक वही प्रकट कर रही है। जगन्नाथ जी को तो बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उठाया धनुष श्री गणेश जी के ऊपर। बोले गणेश जी अगर ये सैनिक की बंद नहीं करोगे ना हम तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। जब जगन्नाथ जी धनुष मारने के लिए उठाया गणेश जी कांप उठे। बोले प्रभु मेरे को मारना नहीं, मेरे को मारना नहीं, अभी मैं बंद करता हूँ। उन्होंने सूर से वो जन्म का स्थान को उन्होंने बंद कर दिया। फिर श्री जगन्नाथ जी राजा को परास्त करते हुए राजा को उन्होंने बंदी बनाया और पूरी राजा का चरण में डाल दिया। बोले महाराज जो कुछ करना करो। इसलिए श्री पुरी का राजा वहां से चार चीज लेकर के आए थे। पहला चीज था उनके भंड गणेश जी को, दूसरी चीज राजा की जो बेटी को लेकर के आए, तीसरी चीज राधा कांत एक ठाकुर, और चौथा चीज जो रत्न सिंहासन वहां पर जो सिंहासन था जिसको ब्रिटिश ने ले गया, जिसमें हीरे जवाहरात से जो जड़ा हुआ जो सिंहासन था, उन्हें चार चीज वहां पर लेकर के आए और उनकी जो राजकुमारी को मंत्री को दिया। बोले महामंत्री ये राजकुमारी को किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी करा देना। अभी राजा तो मंत्री तो बड़े चतुर होते हैं, अभी मंत्री तो चिंता में लग गए क्यों यही एक दिन राजा का रानी बनने वाली थी।
लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाई और राजा कहते अच्छे किसी झाड़ूदार से शादी करा दो। मंत्री ने उनकी सभा मंडल को लेकर के उन्होंने एक मीटिंग की, बताओ क्या करनी चाहिए। बोले एक काम करो, ये राजकुमारी है, ये राजा की रानी बनने वाली थी, इनको छुपा करके कहीं रख लो, एक साल के बाद में फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, जब राजा झाड़ू लगाएंगे ना, फिर ये लड़की को दुल्हन बना करके हम राजा से शादी करा देंगे। एक साल बाद में फिर जब जगन्नाथ की रथ यात्रा आई, अभी झाड़ू लगा रहे थे, कौन लगा रहे थे, राजा झाड़ू लगा रहे थे और ये राजकुमारी को बड़ी सुंदरी दुल्हनी बनाया, पालकी में बैठा करके ले गए, बोले जाओ राजा जी के गले में ये माला डाल दो। जब माला डालने के लिए गई ना, इतने में राजा बोले महामंत्री मैंने कहा था किसी अच्छे झाड़ूदार से शादी कराने के लिए। बोले महाराज आपसे बड़ा झाड़ूदार कोई होगा, आप तो श्री जगन्नाथ जी का झाड़ूदार हो, इसलिए आप इसको कृपा करके स्वीकार करो। फिर महाराज ने इसको स्वीकार किया, इसलिए देखो ठाकुर जी कितने दयालु, ठाकुर जी कितने कृपालु है, अगर थोड़ी सी सच दिल से ठाकुर जी के लिए कुछ करना, ये जगन्नाथ जी आवाज सुनते हैं, जगन्नाथ जी बात को सुनते हैं, इसलिए आज श्री जगन्नाथ जी कहते, ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मतलब क्या है, बोले रथ यात्रा मतलब ये है जब कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा कुरुक्षेत्र भी, पूरा के पूरा सूरज को जिस समय ये राहु ने पूरा पूर्ण ग्रास की, उसी समय में नियम है सबके सब कुरुक्षेत्र में आते हैं, आकर के वहां पर एक ब्रह्म हृदय और वहीं पर स्नान करके सब साधु संतों को ये दान पुण्य देते हैं। उसमें कृष्ण भी स्वयं आए, कहां से आए, कृष्ण द्वारका से आए, और इतने में जितने ब्रजवासी ये लोग भी वहीं पर पहुंचे, वहां पर जब पहुंचे फिर राधा कृष्ण की वहीं पर मिलन हुई, बड़ी दिनों के बाद में जब मिलन हुई तब राधा रानी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर आप भी वही कृष्ण, मैं भी वही श्रीमती राधा रानी, लेकिन जब हम श्री जमुना किनारा में जहाँ पर कलकल नाद से जमुना बह रही है, जहाँ पर सुंदर कोयल कुहू रहे हैं, जहाँ पर सुंदर मयूर केका कर रहे थे, जहाँ पर जुई बेली चमेली सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहाँ पर अद्भुत है चंद्रमा की सुंदर किरण जहाँ पर छिटगरा है, जहाँ पर सुंदर निकुंज में हम दोनों जो मिलते थे, वो मिलन में जो आनंद है, कहते ये आनंद यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कोई तुम्हारी शरीर में, अभी तो तुम द्वारकाधीश हो, तुम तो अभी सुदर्शन चक्र धारण किए, लेकिन तुम्हारे हाथ में बंसुरी कहाँ है, तुम्हारी वो मोर मुकुट कहाँ है, तुम्हारी अंदर में तो कोई ब्रज की कोई भैंस ही नहीं, तुम तो यह द्वारकाधीश का ड्रेस तुम्हारी है, और यहाँ पर बड़े बड़े राजा है यहाँ पर है, और यहाँ पर घोड़ा हाथी, यहाँ पर कोई ब्रज की उद्दीपना नहीं, अगर तुम तो हमें आनंद देना चाहते हो, मेरी हृदय रूपी रथ में तुम बैठो, और हम सब गोपियां मिल करके तुम्हें वृंदावन ले जाएगी, जब वृंदावन के जमुना किनारा में हम मिलेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा, इसलिए ये रथ नहीं, ये रथ क्या है, ये राधा रानी की हृदय है, मानो श्रीमती राधा रानी अपना हृदय में श्री श्याम सुंदर को बैठा करके, और गोपियां ये रथ को कैसे कैसे कहां ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं, इसलिए आप लोग जब रथ खींचोगे ना इसी भाव से, किसी भाव से, ये रथ नहीं, ये राधा जी की हृदय में श्री श्याम सुंदर राधा रानी की हृदय में बैठे हुए हैं, और सबके सब हम ब्रज गोपियां श्याम सुंदर को हम श्री वृंदावन धाम में ले जा रहे हैं, और वहीं पर जमुना किनारा में निकुंज में जब राधा कृष्ण की जुगल मिलन होगी, वहीं पर हमें पूर्ण आनंद मिलेगा। गोपियों को कब आनंद मिलता है, कहते ना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलना, आरती करे ललिता दि सखी गाना, मदन मोहन रूप त्रिभक्त सुंदर पीताम्बर सिखे बुच चूड़ा माधव में विश्व कन्या वसन गौरी रूपी गुरु
सखी जत कमर झुलाए श्री राधा माधव पद सरसी जवाते अकति बिनद सखी कर सखी वाते महाप्रभु की जय। इसलिए श्री जगन्नाथ जी किसी भाव से हम खेसते खेसते वृंदावन धाम में हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। अभी कृष्ण रुक्मिणी बन गए ना, बन रहे ना, हाँ। अरे कृष्ण, अभी कृष्ण रुक्मिणी शादी करा देंगे, फिर शादी करा के ना फिर हम प्रसाद पा करके रथ यात्रा के लिए चलेंगे। जब रथ यात्रा में चलोगे ना, देखो सभी की ललाट में तिलक होना चाहिए। तिलक है कि नहीं, सब लगा करके आए कि नहीं? पर तिलक नहीं लगाए तो फिर क्या होगा? इसलिए सबके सब तिलक लगाना, ठीक है। सब सब तिलक लगा करके चलना, सबके सब यहाँ पर तिलक होएगा, यहाँ पर कहीं सबके सब तिलक लगा लेना। हरे कृष्णा। अ देखो कहते श्री विष्णु का नाम एक राजा थे जिनके पांच बेटे और सबसे जो उनकी छोटी कन्या श्री रुक्मिणी, ये कौन है? बोले ये स्वयं माँ लक्ष्मी। ये नारद जी को ये बात पता था, इसलिए नारद जी बचपन में जाकर बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कृष्ण की कथा सुनाया करती थी। कृष्ण जब केवल 6 दिन के थे उन्होंने पुतना को मारे, कृष्ण जब 1 महीना को हुए उन्होंने श्री शकटासुर को मारे, 3 महीना में तृणावर्त को मारे, 4 साल में उन्होंने बकासुर को मारे, 5 साल में अघासुर को मारे, 6 साल में कृष्ण कालिय के सर पर नृत्य की और 7 साल में कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा दिया। फिर जब कृष्ण 8, 8.5 साल के हुए ब्रज गोपियों को साथ में कैसे उन्होंने दिग्भर रास रचाए, कंस को कैसे पछाड़े, जरासंध आदि को कैसे पछाड़े, उनकी पराक्रम की कथा, कृष्ण की मधुरता की कथा उन्होंने रुक्मिणी को सुनाते रहे। अभी रुक्मिणी कृष्ण कथा सुनते 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 उसकी रोम रोम ही कृष्ण बैठी हुई। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे उनके प्रति हमारी प्रेम नहीं होगी। इसलिए प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसरी भक्ति तत् कथा प्रसंगा। आप लोग जो इतने भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? चूंकि भगवान की कथा सुनते हैं तभी इतने भक्ति कर रहे हो। अभी उसने प्रतिज्ञा की मैं शादी करूंगा तो केवल द्वारकाधीश को मैं शादी करूंगा। इतने में उसको बड़ा भैया को पता चला रुक्मिणी कहती है और हमारा पिता की इच्छा है कृष्ण को साथ में शादी हो, लेकिन उसका जो बड़ा भैया रुक्मी था ना वो दुष्टों का संग करता था, इसलिए उसको बुद्धि दुष्ट हो गई थी। बोले क्या मेरी बहन की शादी कृष्ण को एक ग्वाल को साथ में? हमने सुना बचपन में घर घर मक्खन चोरी करता था है? और ऐसे के मक्खन चोर को साथ में मेरी बेटी की मेरी बहन की शादी? बोले नहीं, मेरी बहन की शादी तो किसी राजा महाराज से होनी चाहिए। बोले किसको साथ? बोले शिशुपाल को साथ। इतने में रुक्मिणी को ये बात पता चला, उसने एक ब्राह्मण को बुलाया, बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा, वो अद्भुत पत्र थी। वो पीली पत्र ब्राह्मण को दे करके कृष्ण के पास में पहुंचा दी। कृष्ण तब पीली पत्र दे करके समझ गए ये किसी प्रेमिका की पत्र है और उसमें जो इनकी शरणागत लिखी हुई, अभी कृष्ण रुक्मिणी को नहीं देखे, रुक्मिणी कृष्ण कोई किसको देखे ही नहीं, लेकिन कृष्ण रुक्मिणी की केवल प्रेम पत्र पा करके कृष्ण रिझ गए। भगवान सबको स्वीकार नहीं करते, ठाकुर जी सबको स्वीकार नहीं करते। बोले वो पत्र में क्या लिखा था? उसको लिखा हुआ था हे प्रभु, हे भुवन सुंदर कमनीय, त्रिभुवन के विश्व ब्रह्मांड के तुम मालिक हो, जगत में तुम्हारा नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ मतलब क्या? जगत का जो नाथ श्री ये जगन्नाथ है, जगत का पति ये जगत पति श्री जगन्नाथ है। अगर जगत में कोई पति बनने का लायक है ना केवल तू ही पति बनने का लायक। बोले जगत में कोई पति बनने का लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले पति का मतलब क्या होता है? प मतलब जो पालन करना करता, ती मतलब ये भव संसार से जो हमें तार ले, ये पति है। बताओ दुनिया को पालन कौन कर रहा है? भगवान पालन कर रहे हैं। संसार से हम तारेगा कौन? ठाकुर जी तारण करेंगे।
तब वो लिखती है, हे प्रभु इसी जगत में जो पति को ग्रहण करते हैं ये हाथ मांसी चमड़ा खून पीक से भरा हुआ एक शरीर को हम पति मानते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में मांग भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, शंखा पहनते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में मिट जाती है, शंखा टूट जाती है। बोले क्यों? क्योंकि ये मरणशील जगत में सबके सब मरणशील अनित्य वस्तु है। इसलिए कहते ना, ऐसे वर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बरा बरी गोपाल जो जुड़ल अमर है जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, दुल्हन नहीं श्याम सुंदर की गोपी हमें बना दो। उसने ऐसे पत्र लिखी, बोले प्रभु अगर आप मेरे को यहाँ से उद्धार नहीं करोगे, ये प्राण में त्याग करते रहूंगी जन्म जन्मांतर, लेकिन ये जगत का किसी सियार को मैंने ग्रहण नहीं कर सकती हो। तू पुरुष सिंह हो, अगर शेर की हिस्सा अगर कोई सियार ले जाए इसमें बदनाम सिंह की है, इसलिए हे प्रभु मेरे को यहाँ से उद्धार करो। फिर पत्र में लिखती है, आप मेरे को उद्धार करें कैसे, वो सब डिटेल से लिख देती है। कहते हमारी एक नियम है कुल परंपरा, वो बेटी शादी होने से पहले अपना राज महल से निकल करके माँ देवी मंदिर में पूजा करने जाती है। जब मैं अपना सहेलियों को लेकर के मैं पूजा करने जाऊंगी, उसी समय में आप अपना पराक्रम को दिखाना, पराक्रम को दिखाती हो जैसे सिंह बीच से अपना आहार को निकाल लेती है, आप अपना पराक्रम को दिखा करके मेरे को वहां से उद्धार करके लेना। उन्होंने डिटेल से रूप में ना सब कुछ लिख दिया। और कृष्ण ये पत्र पढ़ करके, वो ब्राह्मण को रथ में बैठा है और कृष्ण भगवान उसको उद्धार करने के लिए आए। ये शिशुपाल को पता था पहले रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती है, अभी शिशुपाल को पता है रुक्मिणी प्रेम करती और कृष्ण का क्या पराक्रम है। उसने जिसको जरासंध जैसे व्यक्ति को उन्होंने मार डाले और उनको 70-70 बार परास्त किए, कंस जैसे व्यक्ति को उन्होंने पछाड़ दिया, जिस गिरिराज को जिसने उठाया, अघासुर बकासुर को जिसने पछाड़ दिया, कृष्ण का पराक्रम इसको बताए। वो पहले से ही जितने उसके यार दोस्त थे ना सबको लेकर के आए, बोले देखो अगर कृष्ण बीच में आकर के कुछ करता है सबके सब मिल करके उसको हम परास्त करेंगे। उनने सन्नी को चारी तरफ में उन्होंने एकदम खड़े कर दिया, कैसे कृष्ण जैसे अंदर में आ नहीं सके। इतने में रुक्मिणी जब अपना सहेलियों को साथ में वो देवी पूजा करने के लिए गई, माँ देवी को पूजा की, जब पूजा कर रहे थे ना वहां पर मैया स्वयं प्रकट हुई शंकर जी को साथ में, और शंकर और माता जी ये वेद मंत्र पढ़ करके, ये स्वयं शंकर जी पुरोहित बने और उन्होंने वेद मंत्र पढ़ करके रुक्मिणी और कृष्ण को ये मंदिर के अंदर में शादी करा दिया। लेकिन ये बात किसको पता ही नहीं चला, शादी हो गई। इतने में रुक्मिणी जब देवी मंदिर से निकली, अभी देख रही है मेरे प्रियतम आएगी नहीं, इतने में जब अपना घूंघट को निकाली, रुक्मिणी कौन है, ये जगदम्बा जग जननी, ये माँ लक्ष्मी स्वयं है जिनकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से ये विश्व ब्रह्मांड माया में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। उनकी जो स्वरूप शक्ति, उनकी जो धातनी शक्ति, परा शक्ति, ये कौन है, ये माँ लक्ष्मी से रुक्मिणी है। ये साधारण नहीं, इतने सुंदरी रुक्मिणी थी। उसने जब तो अपना घूंघट को उतारी ना, वहां पर जितने सैन्य सामर्थ रुक्मिणी के रूप देख करके सबके सब बेहोश होकर गए, सब मूर्छा हो गए। इतने में कृष्ण बीच से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, प्रकट होकर के रुक्मिणी को हाथ पकड़े और रथ में बैठाए और लेकर के चल पड़े। जब चल पड़े थोड़ी देर बाद में सैन्य सामर्थ की होश आया, बोले भैया रुक्मिणी कहाँ है, बोले भैया जिसका था उसने ही लेकर के चला गया, बोले भैया मारो मारो पीटो पीटो पकड़ो पकड़ो। इतने में दाऊ भैया ने देखा कृष्ण के पास में कोई पीली पत्र आई थी, लेकिन पीली पत्र मतलब प्रेम का पत्र था, जरूर कन्या कुछ नटखट करने के लिए गया है। इतने में श्री दाऊ भैया ना पीछे पीछे संन्यास मत लेकर आए थे,
जब कृष्ण रुक्मणी को लिए इतने में बलदेव प्रभु प्रकट हुए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत करो, तो रुक्मणी को लेकर जाओ द्वारका में शादी करो और इनको मैं पीछे से देख लेता हूँ। दाऊ भैया तो निकाला अपना हाल और मुसाल है, निकाल करके मार मार करके इसकी टांग तोड़े, इसकी हाथ तोड़े, इसको मारे, वहां पर भगदड़ मच गई वहां पर, और सबके सब जान लेकर के सबके सब भाग करेंगे। इतने में कृष्णा रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में जाते हैं और भगवान की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। देखो इसमें शिक्षा का वस्तु क्या है, बोले रुक्मिणी कौन है, बोले ये जीव है, लेकिन जैसे ये रुक्मिणी अभी जीव का प्रभु के प्रति प्रीति कब होगी, बोले जब संतों की संग करेंगे, जब भगवान की भक्तों से कथा सुनेंगे तभी हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आएगा। इसके बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई, यही सत्संग के द्वारा प्रभु का प्रति प्रेम होगा। उसको बाद में वो जीव क्या करेगा, बोले ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने प्रेम पत्र लिखे श्री श्याम सुंदर के पास में, बोले भैया ब्राह्मण कौन है, बोले सदगुरु, ये सदगुरु ब्राह्मण है, क्योंकि बोले वैष्णव रे आवेदने कृष्ण दया भाई, मतलब है अगर कोई व्यक्ति सोचेगा डायरेक्ट हम भगवान को भक्ति कर ले, ये बीच में गुरु की क्या जरूरत है, ये गुरु गुरु बेकार चीज है, हम तो डायरेक्ट भगवान को भक्ति करेंगे प्रेम करेंगे, भैया ये बीच वाले की जरूरत नहीं, ये गुरु की जरूरत नहीं, बोले नहीं हमारा जब बात है ना डायरेक्ट ठाकुर सुनेंगे नहीं, हमारी बात को ठाकुर नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे संतों की बात को, गुरु जी को बात को भगवान सुनेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आप मोदी में मिलना चाहते हो, अगर मोदी के एकदम नजदीक है कोई नजदीक व्यक्ति अगर कोई होना, जैसे अमित शाह कहते अमित शाह का अगर कोई पूरा नजदीक व्यक्ति आपका कोई फ्रेंड है, बोले भैया कोई एप्लीकेशन देने का जरूरत नहीं मोदी को, वो सीधा तुम्हें हाथ पकड़ आएगा, बोले चलो ना मोदी से मिलना है ना, कोई जरूरत नहीं बीच में, पकड़ो पकड़ करके सीधा लेकर तो मोदी से मिला देगा। कहते उसी तरह अगर कोई जीव अगर सदगुरु हो वो क्या करेगा, जीव को सीधा पकड़ेगा और क्या करेगा, ठाकुर को पास में लेकर के मिला देगा। अगर स्वयं कोशिश करोगे तो पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए शास्त्र कहता है सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना, वो उपराज, इसलिए डायरेक्ट जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान मिल सकते नहीं मिल सकते, अगर भगवान कभी मिलेंगे तो जब तक आप सदगुरु आश्रय ग्रहण नहीं करते हो तब तक ठाकुर मिलने वाले नहीं। इसलिए जब हमारी हो करके कोई सदगुरु ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करेगा फिर क्या होगा, भगवान बीच में आएंगे और हम ये संसार एक जेल है, चारी तरफ में हम घिरे हुए हैं माया के द्वारा, भगवान क्या करेंगे बीच से हमें पकड़ करके रथ में बैठाएंगे और अपना गोलक वृंदावन ले जाएंगे और अपना सखी हमें अपना गोपी बना देंगे। इसलिए भगवान रुक्मिणी को साथ में बड़ी धूमधाम से शादी, प्रभु कृष्ण रुक्मिणी ले आओगे लेकर क्या, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, बोलो रुक्मिणि रमण भगवान की, बोलो द्वारकाधीश की जय, जय श्री राधे। ऐसे बड़ को मरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरो गोपाल जो जा सोचड़ न मरे हो जाए, अरे आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो,
Thank you.
संसारी शादी होती है तो सब दारू पी पी के नाचते हैं, और यहाँ तो भगवान की शादी हो रही है कोई नहीं नाच रहा। बात क्या है, उल्टा है क्या यहाँ? सभी उठे और रुक्मणी जी के शादी में सभी ना दे खड़े हो
अभी 3 दिन का भी एक होली गाना है, तो होली में कौन कौन नाचेंगे? होली में सब लोग को नाचना है, कोई खाली ना रहे। बोल होली के जय जय श्री राधे। ओ मेरी चुनरी में पड़ कर लागे रे I'm gonna make it.
आरती काफियों को पाप से